तो करंट अफेयर्स से कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाने होंगे, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको आपके बीच रखूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योतिषी कुमार फ्रॉम झाटोप। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अवार्ड्स एंड ऑनर्स से संबंधित, जैसे से में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों के सॉल्यूशन के बारे में। दोस्तों पुरस्कार तथा सम्मान से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स तथा स्टैटिक जीके में जितने भी सवाल जेएससी के द्वारा पूछा गया है 2023 में, उन सभी सवालों को आज मैं इसी एक ही वीडियो में आपके बीच लेकर के आया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके ज़रिए आप किस प्रकार से जो है अपने तैयारी को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, हमें किस प्रकार से सवालों को जो है तैयारी करना पड़ेगा इस टॉपिक में, जिससे हमारा जो है मार्क्स बाहर ना जाए। दोस्तों इसमें तीन कैटेगरी में सवाल पूछा जाता है, एक इंटरनेशनल वाला, एक नेशनल वाला और एक स्टेट वाला। तो दोस्तों झारखंड स्टेट से भी जो पुरस्कार से सवाल है उससे पूछा जाता है, भारत से भी सवाल पूछा जाता है पुरस्कार से, और इंटरनेशनल लेवल पर जो पुरस्कार दिया जाता है उससे भी सवाल पूछा जाता है। तो आइए हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन सारे क्वेश्चनों के बारे में जो कि इस टॉपिक से पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? विनय बदवार को दिया गया है। दोस्तों किस भारतीय गोल्फर ने रॉयल बैरन गोल्फ क्लब में लेडीज यूरोपियन टूर LET पर चेक लेडीज ओपन 2023 का ताज जीता था? दीक्षा डगर ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर थ्री, किस खिलाड़ी को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मैंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का पुरस्कार मिला? संदेश झिंगान जो है उसको मिला है। दोस्तों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रतियोगिता 2021 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो रॉबर्ट इरविन जो इसका है सही आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट, साइमन ओराओं को पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए 2016 में डैश से सम्मानित किया गया है? तो इसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल, इनमें से किस साहित्य कृति को 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी को। ये साहित्यिक कृति है यानी ये किताब है, इसको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोस्तों देख सकते हैं ये साहित्य से पूछा हुआ है, और ध्यान में रखना है कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है, तो इसका हम कंक्लूजन बताने वाले हैं कि आपको क्या करना है और किस प्रकार से जो है इसका तैयारी करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ये कम्प्लीटली आपको आप इसमें नंबर नहीं ला सकते हैं। केवल करंट अफेयर्स करने के कारण से ही आप करंट अफेयर्स कहाँ तक कर सकते हैं, 1972 तक कर थोड़ी कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स से कुछ कुछ क्वेश्चन तो हो जाएंगे, लेकिन पूरा कम्प्लीटली क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे दोस्तों। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी अपनाने होंगे, जो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको आपके बीच रखूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन, कौन झारखंड से हैं और उन्हें 2023 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो जानुम सिंह सोई को ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो स्वीडन द्वारा, आप सभी जानते हैं। सन 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात छह कलाकार कौन थे? केदारनाथ साहू, केदारनाथ साहू जो है सही आंसर है। दोस्तों इनमें से किसने मराठी साहित्य के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर है अनुराधा पाटिल। नेक्स्ट सवाल, 2018-19 के लिए पहला DD महिला किसान पुरस्कार किसने जीता? स्वाति सिंगाड़े। नेक्स्ट, इनमें से किस वर्ष उड़िया साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया था? देखिए इस तरह का सवाल को जो है आप करंट अफेयर्स के जरिए नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ दूसरा स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ेगा, और वो कौन सा स्ट्रेटेजी है मैं लास्ट में वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखें दोस्तों।
2016 में पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए डैस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो सिमोन उरान। नेक्स्ट, संगीत में उनके योगदान के लिए वसुंधरा कोमकोली को 2006 में पद्मश्री और डैस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो आंसर इसका क्या है दोस्तों, 2009 में इसको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। समझ रहे हैं 2006-2009 इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, क्या तरीका अपनाएं ताकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। आगे वेट करें। नेक्स्ट, चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में तीरंदाजी की व्यक्तिगत महिला स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता था। तो अवनीत कौर, नाम ध्यान रखना दोस्तों, अवनीत कौर। नेक्स्ट, किस वर्ष झारखंड के लोक गायक और नर्तक मुकुंद नायक को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2017 ध्यान रखना है। वैश्विक शांति के लिए 2013 में स्थापित महाथीर पुरस्कार का नाम डैश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। तो मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया था। झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने गीतों से प्रेरणा प्रदान करने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति को कला के लिए 2020 में पद्मश्री पुरस्कार का प्राप्त हुआ था। क्या नाम था उसका? मधु मंसूरी हसमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 2019 के पद्म भूषण पुरस्कार से प्राप्त करता है, यानी पद्म भूषण पुरस्कार किसको मिला हुआ था? महाशय धर्मपाल गुलाटी। इनमें से किसने संस्कृत साहित्य के लिए 2006 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता था? तो सत्यव्रत शास्त्री। नेक्स्ट, संदीप नरवाल को किस क्षेत्र के लिए 2021 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कबड्डी के क्षेत्र में इसको दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए कैसा स्टार्टअप क्वेश्चन पूछ रहा है, 1917। निम्नलिखित में से किसे साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो बलबीर दत्त। नेक्स्ट, निर्देशन के लिए स्पेशल जूरी 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता? इंद्रदीप दासगुप्ता। नेक्स्ट, 2016 का AAAI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसने जीता? श्रीनिवास के स्वामी। 2021 के पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित रजनीकांत देवीदास सौरभ किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो व्यापार और उद्योग से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, दिगंबर हंसदा को वर्ष 2018 में साहित्य और शिक्षा में उनके योगदान के लिए डैश से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित सोकर एसएस में से बैलन डी और पुरस्कार 5 या इससे अधिक बार किसने जीता, यानी बैलन डी और पुरस्कार जो है 5 या उससे ज़्यादा बार किसने जीता था? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी दोनों ने जीता था। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड तेलुगु फिल्म निर्माता बेजवाड़ा गोपाल ने 2021 में प्राप्त किया था? चौथा सत्यजीत रे अवार्ड। नेक्स्ट, छुटनी मातो को डैश के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2021 का पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो किस कार्य के लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए इसको पद्मश्री दिया गया। ये जो छुटनी मातो वाला है ये 3 से 4 बार रिपीट हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है। 2016 में दीपिका कुमारी को उनके किस क्षेत्र में कौशल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार जेएसएससी ने पूछा है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिवंगत हांसदा को, दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा में उनके द्वारा प्रदत्त योगदान के लिए वर्ष 2018 में प्रदान किया गया था? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2019 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित राजेश्वर आचार्य किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कला गायन हिंदुस्तानी से संबंधित है। भारत ने 2016 के रियो ओलंपिक में कितने पदक जीते थे? तो 2 पदक जीते थे। अप्रैल 2023 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला लेखिकाओं की शिक्षा और योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 द्वारा झारखंड से किससे सम्मानित किया गया है? अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 तो मीना सिन्हा। चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2010 में सम्मानित किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, 2013 में पर्वतारोहण में उपलब्धियों के लिए झारखंड के डेस को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जब भी पर्वतारोहण का बात होगा तो प्रेमलता अग्रवाल ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2021 में छुटनी महतो को किस क्षेत्र में, देखिए फिर से रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, मैंने रिपीट नहीं किया है दोस्तों। ये शिफ्ट जो पीजीटी जेएसएससी पीजीटी जो अगस्त सितंबर महीना में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये रिपीट हुआ था, अलग अलग शिफ्टों में पूछा हुआ था। तो देख सकते हैं कुछ जो क्वेश्चन है बिल्कुल रिपीट होने वाला है, छुटनी महतो, दीपिका कुमारी, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। महेंद्र सिंह धोनी का तो यहाँ पर नहीं दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न 2019 पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? तो 19 में नहीं मिला है किनको बोला है, तो सचिन तेंदुलकर को नहीं मिला है, बाकी प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख, भूपेन हजारिका, इन तीनों को मिला हुआ है 2019 में भारत रत्न पुरस्कार। सितंबर 2018 में विराट कोहली और मीराबाई चानू को व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किसे पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? तो नरेंद्र मोदी को। दोस्तों देख सकते हैं अगस्त में ही ये एग्जाम हुआ था, अगस्त सितंबर में हुआ था, एक महीना पहले का भी ये जो है करंट अफेयर्स आपको दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो कलिंगा प्राइज, कलिंगो पुरस्कार। नेक्स्ट, भारत में खेलों में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से, तो 2016 में दीपिका कुमारी, नाम याद रखना है आपको। डॉक्टर कीर्ति के करंत 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय महिला थी? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए झारखंड की किस प्रसिद्ध हस्ती को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों प्रेमलता अग्रवाल जो हैं, हमने बताया कि जब भी पर्वतारोहण का बात होगा तो प्रेमलता अग्रवाल, ये भी देखो ये आप देख सकते हैं कि 2 से 3 बार ये भी रिपीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। 2016 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दीपिका कुमारी किस खेल से उत्कृष्ट हैं? तो आर्चरी यानी धनुर्धर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि दीपिका वाला कितना रिपीट हो रहा है। 2019 का जॉन मीर पुरस्कार किसने जीता है? तो नालिनी मलानी ने जीता था। तो ये था दोस्तों 47 क्वेश्चन जो जेएसएससी पीजीटी में पूछा हुआ था। हर शिफ्ट में अगर हम बात करें कि हर शिफ्ट में 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक हर एक शिफ्ट में पूछ रहा था, तो अगर हम एवरेज मान करके चलें तो 3 जो क्वेश्चन है हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेगा, किसी में ज़्यादा किसी में कम। तो एटलीस्ट ये मान करके चलिए जो 3 क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक झारखंड से रिलेटेड पूछ रहा है पुरस्कार में ही,
एक नेशनल यानी भारत से संबंधित पूछ रहा है और एक इंटरनेशनल से संबंधित पूछ रहा है। आपको क्या करना है, झारखंड से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अवार्ड से संबंधित, इन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट कीजिए और बस इन्हीं क्वेश्चन को सिर्फ करके जाइए, क्योंकि आप इसमें करंट अफेयर्स को ध्यान में रखेंगे तो आपका पूरा मार्क्स नहीं आने वाला है। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के जो मैन शख्सियत है और जो मैन क्वेश्चन पूछे हुए हैं जितने भी एग्जाम में अवार्ड से संबंधित, उन सभी क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा कीजिए और लिख कर रखिए और इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। सेकंड बात आता है कि नेशनल वाला और इंटरनेशनल वाला में आप क्या कर सकते हैं कि नेशनल वाले और इंटरनेशनल वाले में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, दोस्तों प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल में, जैसे SSC एग्जाम में हो सकता है, रेलवे एग्जाम में हो सकता है, या अन्य जो भी संस्था है जैसे BPSC TRE में हो सकता है, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें अवार्ड से संबंधित नेशनल और इंटरनेशनल से, उन सभी क्वेश्चन को आप एक जगह पर इकट्ठा कीजिए। और ये कहाँ से करेंगे आप, YouTube में आप प्रीवियस ईयर डालिए, वहाँ पर आ जाएगा आपको, वहाँ से आप पर उन सभी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए, फिर उन्हीं क्वेश्चनों को ही आप सिर्फ कीजिए। ऐसा नहीं कीजिए कि जो हम कुछ भी रैंडमली पढ़ते जा रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार है तो पूरा सीरियल लिस्ट एक ठो निकाल देंगे हम, तो पद्मश्री का हर साल का एक लिस्ट याद करने लग जाएंगे, वैसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको करना क्या है कि हर एक जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है हर एक एग्ज़ाम में, उन सभी में जो अवार्ड्स वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे हुए उन सब को आपको नोट करके अपने कॉपी में नोट करके रखना होगा और उनको रिवाइज करना होगा, तभी आप इसमें जो है 100% स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी प्रकार का वीडियो मैं आपको आपके बीच में लाता रहूँगा और हर एक टॉपिक का एनालाइज मैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपके बीच में लाऊँगा, ताकि आपको भी मेरे ऊपर भरोसा हो और खुद पर भी भरोसा हो कि हमें किस डायरेक्शन में क्या पढ़ाई करना है। आप कुछ भी जो है यूट्यूब पर पढ़ते रहेंगे, टाइम पास करते रहेंगे, 50 क्वेश्चन के लिए 2 दिन लगाएंगे, तो इस तरह के पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आशा करते हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।